हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हर एक पवित्र लोगों को जय मसीह की। आप परमेश्वर में निरंतर आशीषित होते जाएं। हम इस वक्त शाम रात्रि की प्रार्थना करेंगे, शाम रात की प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक लोगों को आशीष दे, मीठा नींद प्रदान करें, लोगों को परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छिपा करके रखें। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो पर आप बने रहें। ग्लोरी टू गॉड। जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में परमेश्वर का वचन और प्रार्थनाओं को अपलोड किया जाता है। आप सभी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आपके प्रार्थना निवेदन है, उन सभी को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकेंगे। आप अपने उन विषय को भी जरूर बताएं जिन विषय पर आप परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि आपके जीवन पर आत्मिक उन्नति हो। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हे परमेश्वर के पवित्र लोगों और हे परमेश्वर के पवित्र बेटा और बेटियों, आप जब परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी आए हैं, विश्वास के साथ प्रभु ने उनको निश्चित आशीष दिया है। आप विश्वास करें, आपके जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन है, आप जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर प्रभु वो आपको दे सकता है। वह आपके भली मनसा के अनुसार होना चाहिए और आपके जीवन पर आशीष के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर उस प्रार्थना निवेदन को अतिशीघ्र पूरा करता है जो प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, और वह आपके जीवन पर अतिशीघ्र प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर बुरी मनसा से मांगे हुए प्रार्थना को पूरा नहीं करता है, न उसका उत्तर देता है। परमेश्वर जो मनुष्य के लिए भला होता है, उस प्रार्थना को जल्दी सुनता है और उसे पूरा भी करता है। इसलिए वचन के अनुसार प्रार्थना करें। प्रार्थना निवेदन को आप जरूर बताएं। प्रभु निश्चित तौर पर आपको आशीष देगा, आपके जीवन पर अनुग्रह को प्रकट करेगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। इस शाम रात्रि के समय पर शाम रात की प्रार्थना में प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आपके हर एक प्रकार के काम को प्रभु ने सफल किया है। इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना को आरंभ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे स्वर्ग में विराजमान महान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और प्रभु हम शाम रात की प्रार्थना करते हैं। प्रभु अब तक आपने दिन भर हमें संभाला, आगे रात्रि के समय में भी आप संभाले, और भोजन करने के बाद प्रभु हम आपके नाम को स्मरण किए हैं। प्रभु आपके नाम को लेकर के प्रभु हम परमेश्वर मीठे नींद को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। इस रात्रि के समय पर हमें संभाल और परमेश्वर अपने दर्शन से बातें करें। प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने लोगों को बातें किया, वैसे ही हमें भी बातें कर और मीठी नींद प्रदान करें। परमेश्वर आप परमेश्वर आनंद प्रभु देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु आप सुख प्रभु देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु इस वक्त जब हम आपके नाम को लेते हैं, प्रभु आप मीठे और गहरे नींद में लेके जाएं और हर एक प्रकार के दर्द, पीड़ा, रोग और बीमारी को शरीर से दूर करें, वरन शरीर में
बीमारियां हैं, कष्ट हैं, प्रभु आप उसे दूर करें, चंगा करें। और इस वक्त प्रभु जो भी आपके नाम में प्रार्थना करके प्रभु परमेश्वर नींदों में जाते हैं, उनको आशीष दे और उनसे बोले और बातचीत करें। लोगों के जीवन पर प्रभु जो प्रार्थना वो कर रहे हैं उनका उत्तर आप प्रदान करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु बीमारियों को आप दूर करें, लोगों को सुरक्षित करें और जितने भी गर्भ भरे नहीं हैं बच्चे के आशीष से वो प्रभु आज की रात्रि भरने पाए। गर्भ के बंधन को प्रभु आप तोड़ दीजिए और गर्भ के आशीष प्रभु आप प्रदान कीजिए। हर एक हृदय यीशु मसीह में धुल जाए और प्रभु एक पिता स्वच्छ और पवित्र हृदय बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोग जब सोने जाते हैं प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु आप बातें करें परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु आप आशीष दे, उनके रास्तों को उज्जवल करें और प्रभु हर एक बंधन को तोड़ें और श्रापों से आप आजादी प्रदान करें और आपके स्वर्ग दूत प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु काम करने पाए, सहायता करें। प्रभु जब वो सुबह उठते हैं प्रभु उनके जीवन पर गुड न्यूज प्रकट हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जितने भी लोग यस और आमीन के साथ प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु हर एक लोगों के जीवन पर आशीष को प्रदान कर। जो विश्वास कर रहे हैं मनों में परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, उन सबों को आशीष दीजिए। जो रात्रि के समय पर प्रभु बीमारियों में कष्ट में पिता घबराते हैं वे लोगों को प्रभु आप छू लीजिए और दर्द पीड़ा रोग और परेशानी को शरीर से दूर करें। प्रभु जो आपके नाम में विश्वास करते हैं प्रार्थना करते हैं उनको मीठा नींद और आरामदायक प्रभु आप समय प्रदान करें। पवित्र राजा तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा दास कहता है प्रभु दाऊद के मैं रात को भी तेरा गीत गाऊंगा और जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला परमेश्वर और सुरक्षित जीवित के मध्य में रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही हमें आज की इस रात्रि के समय पर हमें संभाले। इस शाम रात की प्रार्थना में हम तुझसे विनती करते हैं हमारे जीवन पर अनुग्रह प्रदान करें, हर एक कष्ट को दूर करें और प्रभु हम तेरा नाम ले सकें और निरंतर प्रभु लेते जाएं इसके लिए सहायता करें। हर एक प्रकार से शरीर से प्रभु रोग पीड़ा दर्द परेशानी को दूर करें प्रभु। और परमेश्वर तेरा दास इस बातों को भी बताता है कि परमेश्वर बिछौने पर मैं तेरा ध्यान करता रहूंगा। परमेश्वर प्रभु वैसे ही हम भी अपने समय पर तेरा ध्यान करते हैं और जब हम गहरे नींद में चले जाते हैं उसमें भी हम तेरी महिमा और भजन गाते रहें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, अद्भुत अनुग्रह को प्रदान कर हर एक डर और भय को जीवन से आप दूर करें। रात्रि के समय पर जितने भी शैतान के शक्तियां आक्रमण करते हैं हमला करते हैं उन सबों से प्रभु आप रक्षा करें प्रभु और निरंतर प्रभु आप संभाले। स्वर्ग का परमेश्वर हर एक प्रकार से प्रभु जितने भी दुष्ट की शक्तियां रात्रि के समय में श्राप प्रभु देते हैं उनके हर एक श्राप कैंसल हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पवित्र महान परमेश्वर प्रभु आपके लहू में प्रभु आपके लोगों को ढांपते हैं, सुरक्षित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई भी श्राप काम न करे प्रभु जो आपके लोगों के ऊपर में डाल के जाते हैं।
कोई भी रात्रि के समय पर दुष्ट आत्मा आकर के प्रभु सत आता है वो काम न करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रात्रि दिन के समान प्रभु होने पाए और प्रभु आपके लोगों के लिए हर एक समय प्रभु आशीषित होता है। प्रभु हम ये विश्वास करते हैं। परमेश्वर के लोग आप निरंतर विश्वास में रहें। परमेश्वर वचन इस बातों को बताता है कि प्रभु ने दिन को भी बनाया रात्रि को भी बनाया, इसलिए परमेश्वर हर एक समय में प्रभुता करता है। प्रभु दिन और रात्रि पर वो हर समय विराजमान है। प्रभु हर समय हमारे संग और साथ है। आप विश्वास के साथ गहरे और मीठे नींद में प्रवेश करें। परमेश्वर निरंतर हमें आशीषित करता रहे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग का महान परमेश्वर, जितने भी लोग मेडिसिन आते हैं प्रभु रात्रि के समय पे, वो हर एक मेडिसिन पिता प्रभु परमेश्वर उसके जीवन पर जो प्रभु उस मेडिसिन को आते हैं निरंतर प्रभु काम करे और प्रभु वो मेडिसिन छूट जाए। हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी मेडिसिन दवाई प्रभु आपके लोगों के शरीर पर साइड इफेक्ट ना करे, वरन प्रभु वह दवाई शरीर के लिए लाभदायक हो और वो सारी दवाइयां छूट जाए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार से प्रभु लेकर के जितने भी गंभीर बीमारियां हैं, जो कोई भी बीमारी आपके लोगों को लगी है, वो सारे बीमारी को आदेश करते हैं, शरीर को छोड़ और चला जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लोगों के देह में आपके लहू को लगाते हैं। प्रभु आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु हम चंगे हो गए हैं, आपके लोग चंगे हो गए हैं जो आप विश्वास करते हैं। प्रभु आपके लहू बहाने के द्वारा हम प्रभु शुद्ध पवित्र हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं प्रभु विश्वास करते हैं। अपने लोगों को चंगाइयां प्रभु आप प्रदान करें। जो रात्रि में सो नहीं पाते हैं वो मीठे नींद को प्राप्त करें। जितने भी प्रकार के रुकावट आते हैं सोने में, वो हर एक प्रकार के रुकावट बंधन सब दूर हो जाने पाए। अपने लोगों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे प्रभु परमेश्वर। शाम रात की प्रार्थना में लोग ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत अनुग्रह प्रकट, अद्भुत अनुग्रह प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लोगों के जीवन पर गवाहियां प्रकट हो जाए, गवाहियां प्रकट हो जाए। कमेंट बॉक्स में जितने भी प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं प्रभु देने वाले हैं, हर एक लोगों को आशीष प्रदान कर लोग गवाही के साथ परमेश्वर प्रभु जी प्रभु आपकी महिमा करने पाए। अपने जीवन में आपके नाम से पिता परमेश्वर गवाही को देखने पाए। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिनके जीवन पर कर्जा है प्रभु, वो चिंता के कारण नींद में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो वो मीठे नींद में प्रवेश करें। हर एक प्रकार का कर्ज प्रॉब्लम समस्या लोगों के जीवन से दूर होने पाए। प्रभु आप उनका निवारण प्रभु आप करें। स्वर्ग का परमेश्वर अद्भुत आशीष प्रदान कर आश्चर्य कर्म को प्रकट करें। प्रभु आपने वचन में कहा है कि स्वर्ग राज्य और उसके धाम की खोज कर सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। प्रभु आपके लोग आपके नाम को पुकारते हैं, आपके लोग जब आपके नाम पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु ग्रहण कर रहे हैं, अद्भुत आशीष को प्रकट कर, गवाही को प्रकट कर, लोग चिंता से बाहर आ जाए, मीठी नींद प्रदान कर, गुड न्यूज आप प्रदान कीजिए।
शुभ संदेश आपके लोगों के घर में प्रवेश करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुभ संदेश लाने वाले स्वर्गदूत प्रकट हो जाए आपके लोगों के घरों में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस घर में यीशु के नाम को लिया जाता है प्रभु, उस घर में उजाला प्रकट हो जाए। जो श्राप और बंधन में पड़े हुए हैं प्रभु, वो सब यीशु के नाम से बाहर आने पाए, सुसमाचार उन तक पहुंचने पाए। आपके लोग जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं वो मीठे नींद प्राप्त करें, बीमारियों में हैं वो सभी चंगे हो जाने पाए प्रभु, लोगों के जीवन पर गवाही को प्रकट करें, लोगों के जीवन पर अद्भुत आशीष को प्रकट करें, गवाही को प्रकट करें। तेरा अनुग्रह 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 आशीष आशीष और आशीष प्रकट होता जाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु अद्भुत अनुग्रह को प्रदान कर। जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु आप पूरा कीजिए। गवाही के साथ आप लोगों को वापस पिता परमेश्वर लाए प्रभु। निरंतर प्रभु आपके लोग आशीषित होते जाएं, बच्चों के आशीष दीजिए, धन संपत्ति पर प्रभु आशीष प्रदान कर, अन्न धन जल पर आशीष प्रदान कीजिए। हर एक परमेश्वर प्रभु जितने पिता परमेश्वर बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं प्रभु उन सबको आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें। पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर प्रभु वो तेज होने पाए, आगे होने पाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आशीष को प्राप्त करे परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान की आशीष को प्राप्त करे परमेश्वर प्रभु। उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह प्रकट हो जाने पाए। आपने बच्चों को कहा मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो, क्योंकि ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्ग का महान परमेश्वर, आशीष से आशीष से आशीष से अद्भुत अनुग्रह को प्रदान कर। पवित्र परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आज शाम रात की प्रार्थना में आशीष प्रदान करें, जीवन में उन्नति प्रदान करें, आत्मिक वरदान ज्ञान में प्रभु आप बढ़ाएं। जितने भी कष्ट क्लेश परेशानी में हताशा में निराशा में गरीबी में लाचारी में हैं, अंधियारे में हैं, वो सभी उसमें से बाहर आने पाए। जब लोग सुबह उठते हैं आनंद शांति उनके जीवन पर प्रवाहित होने पाए और एक अच्छे और शुभ संदेश को प्राप्त करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ऐसा प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे पवित्र परमेश्वर जितने लोग स्वर्ग की ओर हाथों को उठा के आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक को आशीष दे आशीष दे आशीष दे प्रभु। जो वो जिस पिता बिस्तर में परमेश्वर प्रभु वो आराम करते हैं प्रभु, उनके लिए वो आशीष का कारण होने पाए, एक सुखदायी नींद प्रभु आप प्रदान करें, और एक श्राप इस घर से टूटने पाए प्रभु। जितने भी जो भी परमेश्वर स्थान में हैं प्रभु, उस स्थान को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, हरेक को आशीष प्रदान करें और निरंतर आपके लोग आशीषित होते जाएं, उनका घर घराना आशीषित हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने आशीष दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर, साम्राज्य की प्रार्थना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। आपने सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुन लिया है, ग्रहण किया है, हम प्रभु परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु अब तक हमें संभाला, आगे भी आप परमेश्वर आप संभाले, अपने पंखों के आड़ में छुपा के रखें और आशीषित करते जाएं। ये पवित्र परमेश्वर सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को सुना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष और आशीष को मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आमीन। परमेश्वर के पवित्र लोगों, परमेश्वर हमको निरंतर आशीष देता जाए। आप प्रार्थना करें, परमेश्वर निरंतर हमारे जीवन को आशीषित करता जाएगा। प्रभु हमारे जीवन को आशीषित करता जाएगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित देखना चाहता है और प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। आप और भी प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्रभु में आप निरंतर आशीषित होते जाएं। हमें प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।